हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ख़ास जानकारी देने जा रही हूँ, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। और ये जानकारी मेरे निजी ज्ञान पर आधारित है। मैंने बहुत शोध किया है इस पर, बहुत से लोगों से बातचीत की है, और जो प्रैक्टिकल चीज़ों को मैंने पाया है उसके आधार पर आज का वीडियो मैंने तैयार किया है। एक्चुअली मैं आज आपको बताने जा रही हूँ पायल और बिछिया के बारे में। पायल गोल्ड की पहने या ना पहने, बिछिया गोल्ड की पहने या ना पहने, आज मैं आपको यही बताऊंगी, क्योंकि इस बारे में बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आज का जो ट्रेंड चल रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे भी यही चल रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जो विवादास्पद हो, जो कुछ इस तरह का हो कि लोगों में कुछ रोमांच क्रिएट करे। तो इसी तरह के जो टॉपिक हैं एस्ट्रोलॉजी में भी आ गए हैं। एस्ट्रोलॉजी के बहुत साधारण और बहुत ही बढ़िया सूत्र हैं जिनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, और प्रैक्टिकल ज्ञान के द्वारा कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसमें नए नए शोध करके नई नई बातों को क्रिएट कर लेता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो ज्योतिषी नहीं हैं, ऐसी महिलाएँ जो ज्योतिषी भी नहीं हैं, वो आपको कुछ गलत सलत जानकारी दे रही हैं। तो मैं प्रबुद्ध जनों से, जो बुद्धिमान महिलाओं से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने अकल की भी इस्तेमाल करिए। आप में बहुत बुद्धि है, बहुत विवेक है। आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये टाइम पास चीज़ों के लिए तो ठीक है ऐसी चीज़ें, लेकिन जीवन में उतारने के लिए उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिन्होंने इस पर अध्ययन मनन किया है, प्रैक्टिकल इस पर ज्ञान अर्जित किया है। तो आज इसी संदर्भ में आपको मैं बताने जा रही हूँ। पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जब किसी की बॉडी की कोई बात होती है कि बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या इसका कोई जवाब सूझेगा आपको? क्या आप ये कह पाएंगे कि नेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कान नहीं है, या नाक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथ नहीं है, या पैर नहीं है? ये बात अजीब सी लगेगी ना। तो मैं आपको यही कहूंगी कि बॉडी का चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो सिर हो या पैर, सब इक्वल हैं। चाहे सिर का दर्जा ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर महान हो गया, सिर बड़ा हो गया, या पैर बेकार हो गए। उन लोगों की कल्पना करो जिनके पास पैर ही नहीं है, जो बैसाखियों के सहारे चलते हैं, या जिनके पास बिल्कुल ही पैर नहीं है, जो ना बैसाखी के सहारे भी नहीं चल पाते हैं, बहुत सी परेशानियों को झेलते हैं, या कुछ लोग ऐसे जो पैर होने के बाद भी व्हील चेयर पर चलते हैं। तो पैरों की महत्ता को कम क्यों आंका जाता है? पैरों में पहनने वाले गहने हैं हमारे, हम पहनते हैं बिछिया और पायल, तो इसका महत्व उसी प्रकार से है। ऐसा थोड़ी है कि मांग का टीका सिर में सज गया तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, और पायल पैर में पड़ गई तो वो ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट हो गई। तो ये तो बात ही बड़ी बेतुकी और बेवकूफ़ी भरी लगती है मुझे कि किस तरह का ज्ञान आपको दिया जाता है ऐसी अनपढ़ औरतें जिनको कि कोई तजुर्बा नहीं है, ना वो प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर हैं। कुछ मैंने लोगों को देखा है, कुछ टाइम पहले उनके कुकिंग चैनल चलते थे, कुछ खाना बनाना, डेली व्लॉग, और आजकल उन्होंने आपको धर्म संबंधी जानकारी देना चालू कर दिया है, व्रत उपवास संबंधी जानकारी देना चालू कर दिया है, क्योंकि उनका एक ही मोटो था यूट्यूब से पैसा कमाना। जब उनकी दाल नहीं गली रोटी सब्जी दिखाने में, घर की साफ़ सफाई दिखाने में, तो उन्होंने इस तरफ मूव कर लिया। और उन्होंने देखा कि ये व्रत उपवास ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर कोई भारतीय महिला और बाहर विदेशों में रहने वाली महिला भी देखती है, तो उनको लगता कि इसमें ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी शर्मनाक लगती है। मुझे लगता है व्यक्ति को वही ज्ञान देना चाहिए जो उसको समझ में आता है, जिसकी उसने काफ़ी वर्षों तक साधना की है, और जिसके बारे में उसको एक ऑथेंटिक जानकारी है। तो इससे मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो आप टाइम पास के लिए तो ऐसे वीडियो देखिए, लेकिन आप उन लोगों का तो थोड़ा सा सम्मान करिए जो इतनी बड़ी बड़ी ज्योतिषीय जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। मैं ये देखती हूँ कि जो बहुत ही विद्वान लोग हैं, कई बार उनके व्यूज़ इतने कम हैं, और ऐसे लोग जिनको जानकारी ही नहीं है, वहाँ हजारों लाखों व्यू आ रहे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि समाज का स्तर गिरता जा रहा है, लोगों का स्तर गिरता जा रहा है। आप ऐसी जानकारी को जब बढ़ावा देंगे तो ऐसे ऐसे लोग ही तो उतर के आएंगे मैदान में, और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, गलत सलत कुछ भी भटकाने वाला ज्ञान आपको देते रहेंगे। तो सबसे बड़ा बुद्धि का जो है प्रभाव आपके भीतर होता है, आपके स्वयं के पास बुद्धि होती है, आप उसको फॉलो कीजिए और उसके अनुसार ही कोई कार्य किया कीजिए। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई यहाँ पर भूमिका। मैं आपको अब आगे बताती हूँ जो मूल बात है जिसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं हम पायल की और बिछिया की। पायल और बिछिया ये दोनों ही सौभाग्य के
प्रतीक हैं, सौभाग्य के रूप में पहने जाते हैं। स्पेशली पायल तो बच्चों को भी पहना दी जाती है और अनमैरिड लेडीज़ भी पहनती हैं, लेकिन जो विवाहित स्त्रियां हैं वो बिछिया विवाहित स्त्रियां ही पहनती हैं, अनमैरिड नहीं पहनती हैं। हालांकि मैंने कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं जहाँ मैंने अनमैरिड लड़कियों को भी बिछिया पहने हुए देखा है, और एक मैंने कुछ उनके लेकिन उनके जीवन में मैंने कुछ अच्छे परिणाम नहीं देखे, क्योंकि जब जब परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम तो व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं। तो आइए, गोल्ड की बिछिया पहने या सोने की उसकी चांदी की पहने या आर्टिफिशियल पहने या लाख की पहने, कैसी बिछिया पहने और क्या आपके लिए शुभ है क्या नहीं है। पहली चीज़ तो एक लोग ये कहते हैं सोना पैरों में मत पहनो। क्यों? लॉजिक पूछो, सोना पैरों में क्यों नहीं पहने? मैंने स्वयं सोने की बिछिया पहनी, अभी मेरी थोड़ी सी उसमें से एक जो हल्का सा उसका हिस्सा है वो थोड़ा सा निकल गया, तो मैंने उसको बनने के लिए दिया है। गोल्ड की बिछिया जब से मैंने पहनी है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे आर्थिक लाभ हुआ है, घर में भगवान की दया से सब कुछ है, भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, बड़े बुजुर्गों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये बिल्कुल मिथ है। दूसरा, मेरे सर्किल में जैन लोग बहुत हैं, जैन कम्युनिटी पर मैंने काफ़ी काम भी किया है, जैन धर्म पर मैंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी मिलना जुलना रहा है जैन परिवारों से मेरा। उनमें मैंने मैक्सिमम 99.9 क्या 100% ही होगा, पर एकाध अपवाद हो सकता है, तो उनको मैंने हमेशा गोल्ड की बिछिया और गोल्ड की पायल पहने हुए देखा है, और उनके पास अथाह धन संपदा होता है। उनका जीवन आपने देखा ही होगा कि जैन परिवार कितने संस्कारी होते हैं। तो ये मिथ है, अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ तो दरिद्रता होती ना, क्योंकि उन्होंने तो सोने को पैरों में डाल रखा है। उनके पास तो अथाह पैसा है, अथाह जेवर है और जीवन के सारे भौतिक सुख सुविधा के साधन है। तो इसलिए ये मेरे को तो सरासर बेवकूफ़ी लगती है। आप गोल्ड जहाँ मर्जी पहनिए, ये आपकी इच्छा पर है। कुछ लोग कहते हैं कमर के नीचे के हिस्से पर गोल्ड ना पहने, जो पुरानी रानी महारानियाँ होती थी कमरबंद में गोल्ड पहना करती थी और स्वर्ण के आभूषण उनके पास हुआ करते थे, तो रानी का जो राज है वो तो बढ़ता ही जाता था ना, उनके पास अथा धन संपदा हुआ करती थी। तो आज भी मैंने तो देखा है प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं होता, ये आपकी इच्छा पर और आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। हाँ, लग्न और राशि के अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं, तो इसकी अब मैं जानकारी आपको देने जा रही हूं। सबसे मैं प्रारंभ करती हूं मेष लग्न से। लग्न से देखना है इसको, राशि से नहीं। लग्न और राशि पर यदि कोई कंफ्यूजन है तो उस पर मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, लग्न और राशि में क्या अंतर है, इसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि लग्न क्या होती है और राशि क्या होती है। लग्न के आधार पर जब आपको किसी बिछिया और इसका पायल का चयन करना है तो कैसे करें, आइए प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न, मेष लग्न वाले गोल्ड की बिछिया पहन सकते हैं, गोल्ड की पायल पहन सकते हैं, उनको लाभ होगा। वृषभ लग्न, प्रेफर करें चांदी की पायल और चांदी की बिछिया पहने, वो आपको फ़ायदा करेगी। चांदी की जो बिछिया है उसमें अगर सफ़ेद कोई नग लगा हुआ है तो बहुत आपको फ़ायदा करेगा। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वाले गोल्ड की पायल पहन सकते हैं, चांदी की भी पहने, वो उनकी चॉइस पर है, आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं, उसकी भी जो लाख की बनी हुई होती है उसकी भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हैं आराम से। और कर्क लग्न, कर्क लग्न वाली ऐसी पायल पहने या ऐसा आप बिछिया पहने जो चांदी का हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और उसमें कोई चमकीला नग या कोई मोती इत्यादि अगर लगे हुए हैं और स्पेशली लाल रंग का कोई नग लगा हुआ है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल वाला रहेगा। जो सिंह लग्न, सिंह लग्न और कर्क लग्न सेम है, सेम लग्न सेम से मतलब लग्न में तो फ़र्क है, कहीं इसका कोई जो कुतर्की लोग हैं कुछ और मीनिंग निकाल लें, तो यहाँ मैं आपको ये कहूँगी जो अभी मैंने जो पायल और बिछिया का जो आपको बताया है प्रोसीजर वो सेम है सिंह लग्न के लिए। कन्या लग्न, कन्या लग्न वाले भी चांदी की पायल और चांदी की बिछिया पहने, उनको बहुत लाभ होगा। तुला लग्न, तुला लग्न वाले भी चांदी की बिछिया और चांदी की पायल पहने, बहुत लाभ होगा। ये महिलाओं की बात हो रही है नेचुरली, ये कुछ लोग कहते हैं आप ऐसे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है पुरुषों के लिए बता रहे हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है, पायल आदमी तो पहनेगा नहीं, बिछिया आदमी तो पहनेगा नहीं, औरतें ही पहनती हैं, तो अंडरस्टूड है ये, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए कि किसको पहनना है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की, अभी मैंने बताया तुला लग्न में आपको चमकीला नग वाला पायल और बिछिया पहनना है महिलाओं को। और वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वाली जो महिलाएं हैं वो कोई लाल नग या लाल कोई ऐसा कलर किया हुआ, कई बार मीनाकारी भी होती है तो उस तरह की पायल पहने तो लाभ होगा, चांदी की पहन सकती हैं, बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं बात करती हूँ धनु लग्न, धनु लग्न वाले गोल्ड की भी पहन सकते हैं, और इसके अलावा वो ऐसी कोई पहने जिसमें कि चमकीला नग ना लगा हुआ हो, इसका ध्यान रखें, कोई भी चमकीला नग लगा हुआ है तो उसे ना पहने। मकर लग्न, मकर लग्न वाले चांदी की पहन सकते हैं पायल,
और चांदी में भी कोई चमकीला नग इत्यादि लगा हुआ है तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कुंभ लग्न वाली महिलाओं के लिए वही है जो मैंने मकर के लिए बताया। मीन लग्न वाली महिलाएं वही प्रोसीजर फॉलो करें जो मैंने धनु लग्न के लिए बताया। इसलिए ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग कि गोल्ड की पायल या गोल्ड की बिछिया ना पहने। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, और आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। यानी कि मकर और कुंभ लग्न वाले तो जो लोहे की भी होती है ना आर्टिफिशियल बनी हुई, उसकी पायल भी पहनी महिलाएं तो बहुत फ़ायदा करेगा, और आप बिछिया भी पहन सकती हैं उसकी, तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। सबसे बड़ी चीज़ है आपका मन मजबूत होना चाहिए, दुनिया के चलाने के हिसाब से मत चलिए आप। मैं यहाँ आपको सलाह दे रही हूँ लेकिन फिर भी आप पर छोड़ती हूँ, यदि आपको उपयोगी लगे तो इसको फॉलो कीजिए वरना मत कीजिए। मैंने अपने हिसाब से अपने आपको लॉजिकली मैंने बात बताई कि जैन धर्म की महिलाएं पहनती हैं और उनको आपने देखा होगा मैक्सिमम धनाढ्य होते हैं और बहुत सुखी रहते हैं, और बहुत उनके जो दाम्पत्य जीवन है उनमें भी उनको बहुत संस्कारित होते हुए मैंने देखा है। उनका बहुत संस्कारी परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है, घर में बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है, सब कुछ बहुत बड़ा। ऐसा अन्य धर्मों में भी होता है लेकिन क्योंकि मैंने ज़्यादातर जैन धर्म पर ही काम किया है तो इसलिए मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, अदर कास्ट की भी बहुत सी महिलाएं हैं जो कि गोल्ड की पायल और बिछिया पहनती हैं और भ्रमित रहती हैं पहने ना पहने पहने ना पहने। पहनिए, अपने आत्मबल को मजबूत बनाइए। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो मत पहनिए उसको, आप दूसरी पहन लीजिए, चांदी की पहन लीजिए, किसी और चीज़ की पहन लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और लास्ट में बोलना चाहूँगी कि जब पैरों हम जो लोग ये कहते हैं कि पैरों में आप ये मत पहनो, तो मैं उनको बोलूँगी कि पैरों की वैल्यू कम होती तो लोग पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लेते, सिर को छूकर आशीर्वाद लेते। आशीर्वाद हमेशा पैर छूकर लिया जाता है। हम किसी को जब भी मिलते हैं हम कहते हैं सादर चरण वंदन, सादर चरण स्पर्श। भगवान के मंदिर में भी जाकर हम भगवान के चरण छूते हैं, भगवान के सिर नहीं छूते हैं। तो चरण की महत्ता किसी भी रूप से कम नहीं है, और बॉडी के जिस पार्ट की महत्ता कम नहीं है उसको सोने या चांदी से सुसज्जित करा जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे हिसाब से लॉजिकली मुझे ये बात समझ से परे है। तो जो अनपढ़ महिलाएं आपको गलत सलत जानकारी दे रही हैं और जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है, अच्छा होगा आप उनको फॉलो ना करें। बाकी इट्स अप टू यू, आपको क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम था आपको चेतावनी देना, आप सही मार्ग पर चलिए, सही लोगों का अनुसरण कीजिए, ज्ञान उससे लीजिए जो आपसे ज़्यादा काबिल हो, जिसमें आपसे ज़्यादा ढेले भर की अक्ल नहीं है, उनसे ज़्यादा अक्ल आप में है दुनिया भर की। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए ना, क्यों ऐसे लोगों की बातों को फॉलो कर रहे हैं जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, जो सिर्फ अपने व्यू यूट्यूब पर वीडियो बना बना के व्यू बटोरना चाहते हैं, उनको मतलब नहीं है। आपको फ़ायदा होता है तो होए, नहीं होता है तो नहीं होए। मैंने लॉजिकली आपको ये बात बताई है और आपकी लग्न के हिसाब से बताइए तो उस पर्टिकुलर उस धातु की बिछिया और आप पायल को धारण कीजिए और बिल्कुल बिंदास होकर धारण कीजिए। मन में कोई वहम मत पालिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मिक शुद्धि, आत्मिक पवित्रता। आप किसी भी वस्तु को धारण कर रखा है आपने, गहनों को, लेकिन यदि मन की शुद्धि नहीं है, मन में पवित्र भाव नहीं है, मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो फिर उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, ना कि जेवरों को पहनने से। और ये जेवर जो हम पहने जाते हैं, ये जो बिछिया वगैरह है, इनका एक्यूप्रेशर से बहुत गहरा संबंध है, इनका जो संबंध है। इसीलिए सौभाग्य की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके एक्यूप्रेशर की कुछ ऐसी नसों को एक्टिवेट करती हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने में अहम भूमिका अदा करती हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, लॉजिक जरूर ढूंढना। बिना लॉजिक के आंखें मूंद कर किसी भी को भी फॉलो कभी मत करिए। अपने ज्ञान चक्षु को खोल कर रखिए और अंधा अनुसरण दुनिया का मत कीजिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, यह बिल्कुल फ्री है।